हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हाउस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज यहां पर हम लोग सिर्फ आपको एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। और गाइज, अगर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को, जिसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन पे। गाइज, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हिंदू एनालिसिस। सबसे पहली न्यूज़ है दोस्तों कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर उन्होंने रिकमेंडेशन दिए कि जो भी गैम्बलिंग इंडिया के अंदर है उसको अलाउ कर दीजिए। अभी तक देखिए गैम्बलिंग जो है इलीगल है इंडिया में। उसके ऊपर लॉ कमीशन से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू गैम्बलिंग लॉज। तो उस पर लॉ कमीशन ने बोला है कि आप जो गैम्बलिंग है उसको अलाउ करिए, लेकिन उसको रेगुलेट करिए। यानी कि कैसे रेगुलेट करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो आधार और पैन कार्ड के साथ होगी। रेस्ट्रिक्शन होगा कि कितना अमाउंट आप जो है लगा सकते हैं एट द टाइम ऑफ गैम्बलिंग, तो उसको आप इलेक्ट्रॉनिकली जो है रेगुलेट कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग। सो ये दीज आर द फोन स्टेप्स जिससे रेगुलेट होगा। उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन होगी गैम्बलिंग के टाइम पे उसको आप टैक्सेबल करिए इनकम टैक्स एक्ट और GST के अंदर। अब दोस्तों जो ये रिपोर्ट आई है ये हेड की थी सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं BS चौहान, इस टाइम पे लॉ कमीशन के हेड हैं इन्होंने। तो दोस्तों सिंपली रेगुलेशन तो मैंने आपको बता दिए, ये तीन रेगुलेशंस हैं आपके सामने। और बाकी इसके बाद इसके पीछे की रीजनिंग, इसके पीछे का रीज़न जो लॉ कमीशन ने बताया है वो ये बताया है कि देखिए जो भी गैम्बलिंग होती है उसको आप इलीगली रेगुलेट तो कर नहीं पाते क्योंकि इलीगली वो चलता ही रहता है। तो इससे अच्छा है कि आप उसको रेगुलेट करिए, उससे जो टैक्स आएगा उसको कलेक्ट करिए, उसको उस पैसे को आप पब्लिक वेलफेयर में लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जितने भी लॉ कमीशन के मेंबर्स हैं उन सब ने इस बात पे एग्री नहीं किया है। एंड देर इज़ वन पर्टिकुलर मेंबर ऑफ लॉ कमीशन जिनका नाम है प्रोफेसर एस शिवा कुमार। उनका ये कहना है कि इंडिया जो है काफ़ी यू नो डेवलपिंग कंट्री है, ऐसे में सच अ मूव वुड लीव द पुअर पुअरर एंड ओनली वेस्टेड इंटरेस्ट वांट्स लेजिस्लेशन ऑफ गैम्बलिंग। यानी कि जो लोग पुअर हैं वो और भी ज़्यादा पुअर होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए गैम्बलिंग अगर रेगुलेशन कर देते हैं, उसको लीगल कर देते हैं, रेगुलेटरी कर देते हैं, तो उसके बाद जो रिच लोग हैं, जो लोग बड़े बड़े क्लब्स में जाके रेगुलेशन गैम्बलिंग खेलेंगे, उनके लिए तो ये परफेक्टली नॉर्मल है कि वो लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो नीचे का तबका है यानी कि जो पुअर लोग हैं वो भी शायद इसकी लत लगा लें और इसकी वजह से वो और भी ज़्यादा पुअर हो सकते हैं। वहाँ पर कोई भी रेगुलेशन थ्रू पैन कार्ड, आधार कार्ड, क्रेडिट, डेबिट, इन सबसे जो है रेगुलेशन नहीं हो सकता है। तो मिस्टर एस शिवा कुमार उनका यही कहना है कि इट इज़ नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ। उसके बाद प्रोफेसर एस शिवा कुमार ने, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था लॉ कमीशन से, तो प्रोफेसर एस शिवा कुमार का ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बात पूछी थी वो थी ओनली विद रेस्पेक्ट टू बैटिंग इन BCCI केस इन्वॉल्विंग इलीगल बैटिंग इन IPL क्रिकेट मैचेस। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने से पूछा था कि IPL के क्रिकेट मैचेस में जो बैटिंग होती है उसके ऊपर लॉ कमीशन का क्या ओपिनियन है, लेकिन लॉ कमीशन ने उससे ज़्यादा जाके बताया है यानी कि सभी स्पोर्ट्स के अंदर क्या क्या लॉज होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बैटिंग वो सब पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो मिस्टर एस शिवार कुमार का ये कहना है कि ये जो रिकमेंडेशंस हैं दे विल लीड टू अनहेल्दी और अनवॉरेंटेड डिस्कशन। तो दोस्तों अगर आपसे कभी पूछा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू बैटिंग लॉज इन इंडिया तो आप देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सप्लेन कर सकते हैं। पॉजिटिव मैंने आपको अभी बताया कि किस तरीके से रेगुलेट करके इसको पॉजिटिव वे में लिया जा सकता है, लेकिन नेगेटिव का भी मैंने आपको ओपिनियन बताया कि कैसे जो सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिन लोगों को इनसे पैसा दिखाई दे रहा है वो लोग इसको लीगलाइज कराना चाहते हैं और जो पुअर है वो और ज़्यादा पुअर हो जाएंगे आफ्टर कमिंग ऑफ लीगल बैटिंग। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया UK रिलेशंस, कि अभी तक देखिए काफ़ी एम्बिग्यूटी थी कि कितनी हेल्प जो है UK करने को तैयार है इंडिया की विद रिस्पेक्ट टू विजय माल्या या फिर नीरव मोदी। तो अभी जो विजय माल्या के रिस्पेक्ट में है वो तो पॉजिटिव खबर आई है, इससे लग रहा है कि इंडिया इंग्लैंड के रिलेशंस बेटर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाई कोर्ट एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं उनको अथॉरिटी दे दी गई है कि वो लेडी वॉक जो कि विजय माल्या का घर है उसमें जाके छापा कर सकते हैं, यानी एक तरीके से रेड कर सकते हैं और वहाँ पर सर्च करेंगे कि उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए दोस्तों आपको पता ही है कि मिस्टर माल्या के अगेंस्ट जो केसेस चल रहे हैं SBI में और 12 दूसरे बैंकों में विद रिस्पेक्ट टू रिकवरी ऑफ डेब्ट्स।
तो अभी लंदन कोर्ट ने जो है ऑर्डर दे दिया है, और जो इनके हाई कोर्ट एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं वो जाके इनके घर पे सर्च करेंगे, लेट अस सी व्हाट डॉक्यूमेंट्स कम आउट। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है इट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट। माइग्रेटरी बर्ड्स का कंसेप्ट आपको पता है कि माइग्रेटरी बर्ड्स वो होते हैं जो एक जगह पर रहते हैं लेकिन विद द सीजन दूसरी जगह पर जाके चले जा दूसरी जगह पर चले जाते हैं, और जाने का रीज़न होता है फूड की सर्च में भी हो सकता है, ब्रीडिंग की भी हो सकता है। अब देखिए एक पर्टिकुलर न्यूज़ जो आई है वो आई है विद रिस्पेक्ट टू भितरकनिका जो एक नेशनल पार्क है उड़ीसा के अंदर। तो इसको सबसे पहले आप याद रखिए कि जो भितरकनिका है वो सिचुएटेड है उड़ीसा में एंड इट्स अ नेशनल पार्क। यहाँ पे दोस्तों जनरली पाए जाते हैं एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्रोकोडाइल जिसका नाम होता है एस्चुरिन क्रोकोडाइल। दोस्तों एस्चुरिन क्रोकोडाइल का मतलब वो क्रोकोडाइल जो सोल्ट वाटर में रहता है, और ये थोड़े ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इनकी जो जनरल टेंडेंसी नेचुरल टेंडेंसी होती है वो मीट की होती है, तो इनसे ह्यूमंस को भी काफ़ी खतरा होता है। अब जो पर्टिकुलर न्यूज़ जो आज आई है वो ये आई है कि कई सारे जो विंग्ड बर्ड्स हैं जो जनरली माइग्रेट करते थे, अनफॉर्चुनेटली न्यूज़ के अंदर ये नहीं बताया हुआ कि कौन से बर्ड्स की कैटेगरी जो है आके यहाँ पे आती है। उन्होंने सिंपली बताया कि रेजिडेंशियल वाटर बर्ड्स इन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो उन्होंने यहाँ पे विजिट किया है इन बर्ड्स ने, और ये अब अपनी ब्रीडिंग साइकिल स्टार्ट करेंगे। सो जो पर्टिकुलर माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स हैं दे विल स्टार्ट ब्रीडिंग, और जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं भितरकनिका नेशनल पार्क के उनका कहना है कि पॉजिटिव खबर है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि दोबारा जो नेशनल पार्क है उसकी जो अपनी सौंदर्यता है जो भी उसके नेचुरल हैबिटेचर है वो अपने आप में एक तरीके से रिस्टोर होता जा रहा है, जिसकी वजह से बर्ड्स वापस आ रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है जो कल भी हमने डिस्कस की थी कि जो मिशन था विद रिस्पेक्ट टू अबॉर्शन यानी कि अबोर्ट करना मिशन का, वो सक्सेसफुल रहा है। हमने बताया था कि जो इसरो है वो चाहता है कि वो जल्दी ह्यूमंस जो हैं उनको भी आउटर स्पेस में लेके जाए। अभी तक इंडिया ने कोई भी ऐसा मिशन नहीं किया है जिससे ह्यूमंस ताकि जो ह्यूमन इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको जो है आउटर स्पेस में भेजा जा सके। तो ये जो पर्टिकुलर लॉन्च किया गया था मिशन, इसका पर्पज़ था कि अगर इन फ्यूचर इंडिया कभी ह्यूमंस को बाहर भेजता है और उस दौरान बीच में कोई दिक्कत आती है तो देर इज़ अ नीड टू अबोर्ट द मिशन, यानी कि मिशन को रोकने की जरूरत पड़ सकती है। तो उस टाइम पे किस तरीके से उस स्पेसशिप को रोका जाएगा, किस तरीके से इवैक्यूएट निकाला जाएगा लोगों को, उस चीज़ के लिए मिशन था। अब देखिए दोस्तों मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो दिखाता हूँ जिससे आपको और बेटर समझ में आएगा। देखिए दोस्तों आफ्टर द मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड उसके बाद किस तरीके से उनको अलग कर लिया जाएगा, जो आगे की तरफ ह्यूमंस बैठे हुए हैं समझिए, अब पता लगता है कि मिशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता, निकलने की ज़रूरत है, कुछ खामी आ गई, कुछ कमी आ गई है। तो ये देखिए इन्होंने अपना मिशन अबोर्ट कर दिया है, तो इस तरीके से उनको सेव किया जाएगा। तो इस चीज़ के लिए ये वाला मिशन लॉन्च किया गया था दोस्तों, और ये सक्सेसफुल रहा है कल। सो इट्स अ गुड अचीवमेंट टूवर्ड्स सेंडिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट्स इन आउटर स्पेस। और ये दोस्तों लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, और इसरो के जो चीफ हैं के सिवन वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, और उन्होंने अप्रिशिएट किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंडिकेशन दी है या फिर एक से गाइडलाइंस दी है NHRC को कि वो मणिपुर के अंदर होने वाली डेथ्स को मॉनिटर करें। देखिए ये हमने भी एक हफ्ते पहले भी इस चीज़ के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कि सबसे बड़ी अथॉरिटी है ह्यूमन राइट्स की इंडिया के अंदर, उसको देखना है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और फेक एनकाउंटर्स जो किए जाते हैं थ्रू आर्मी असम राइफल्स और पुलिस इन मणिपुर वो जो है टॉलरेट नहीं किए जा सकते, एंड दे आर अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ दे आर अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स। और काफ़ी ज़्यादा देखिए मणिपुर और दूसरे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके अंदर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो अब NHRC देखिए किस तरीके से आगे बढ़ता है और किस क्या रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, ये देखने वाली बात होगी। सो लेकिन कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन आए विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स या फिर फेक एनकाउंटर्स, तो आप लिख सकते हैं कैसे सुप्रीम कोर्ट का एक्टिव रोल रहा है, NHRC का एक्टिव रोल रहा है। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं स्टेट्स को कि वो अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करें फॉर लेप्रेसी।
देखिए दोस्तों, लेप्रोसी जो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज़ है, स्किन डिजीज़ है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है लोग एक्चुअली में इंडिया में स्टिग्मा है विद रिस्पेक्ट टू लेप्रोसी कि जिन लोगों को लेप्रोसी हो जाता है उनको जो है घरों से निकाल दिया जाता है, उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। कई सारे इसके हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस हैं, लेकिन अब ज़रूरी है कि लेप्रोसी के जो विक्टिम्स हैं उनको ऐसे बाहर ना फेंका जाए, क्योंकि अब आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी के पास फंडामेंटल राइट है, जीने का अधिकार है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है उसमें बोला है कि पब्लिक अवेयरनेस करी जाएगी, और किस थ्रू की जाएगी, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के एयर प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों के बीच में अवेयरनेस लाई जाएगी। अब लेप्रसी देखिए दोस्तों क्रॉनिक है लेकिन क्यूरेबल होती है, और इसका जो पीछे का जो बैक्टीरिया है उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। सो दिस इज अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया जिसकी वजह से लेप्रसी लोगों को हो जाती है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों वो होता है कि लाइट कलर्ड या फिर रेड स्किन पैचेस जो आ जाते हैं बॉडी पे। तो ये काफ़ी है तो डेंजरस डिजीज़, लेकिन ज़रूरी है आज के टाइम पे कि अवेयरनेस फैलाई जाए, और सिर्फ रेडियो या दूरदर्शन से नहीं, पंचायत लेवल तक जाके। लेकिन देखिए गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्स रहा है कि कॉन्टीन्यूसली ऐसे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप एक स्पेशल कमेटी बनाइए, एक अलग से सेपरेट विंग बनाइए ताकि इसके साथ डील किया जा सके। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है विद रिस्पेक्ट टू लेप्रसी अवेयरनेस तो आप इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जरूर जरूर लिखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है मालदीव से। इंडिया मालदीव के रिलेशन कॉन्टीन्यूसली डिटोरेट होते जा रहे हैं, और उसी के साथ में जो दो हेलीकॉप्टर्स 2013 में इंडिया ने मालदीव को गिफ्ट करे थे वो मालदीव ने वापस कर दिए हैं, यानी कि इंडिया को बोला है कि दे कैन टेक इट बैक। यानी कि मालदीव इंडिया के साथ लगता है डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखने में भी इंटरेस्ट नहीं रख रहा है, क्योंकि मालदीव के देखिए दोस्तों चाइना के साथ बहुत बेटर रिलेशन होते जा रहे हैं, इसकी वजह से इंडिया मालदीव के रिलेशन खराब होते जा रहे हैं। उसके बाद जो 28 नेवी पर्सनल यानी इंडिया के जो नेवी पर्सनल जो इन हेलीकॉप्टर वगैरह को देख रहे थे उनको वीज़ा अभी तक रीएक्सटेंड नहीं हुआ है, उनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं जून 30 को ही, लेकिन वो अभी तक मालदीव्स में है, ना ही मालदीव्स गवर्नमेंट कुछ कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट भी कंटिन्यूसली एफर्ट्स तो डाल रही है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई है उन लोगों को इवैक्यूएट कराने में। सो इंडिया मालदीव्स के रिलेशन किस तरीके से चल रहे दोस्तों, ये उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि कैसे मालदीव्स इंडिया के रिलेशन ख़राब होते जा रहे हैं। जो कॉप्टर्स इंडिया ने गिफ्ट किए थे 2013 में वो वापस कर दिए मालदीव्स ने, हमारे जो नेवी पर्सनल है वो अभी तक मालदीव्स में फंसे हुए हैं। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया यूएस की। देखिए दोस्तों आपको पता है कि यूएस की जो है ऑलमोस्ट ट्रेड वॉर चल रही है काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज से, चाहे वो मलेशिया हो, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो, इंडिया हो, साउथ कोरिया हो, मैक्सिको, कैनेडा, यूरोपियन यूनियन, चाइना, सबके साथ डायरेक्ट ट्रेड वॉर चल रही है दोस्तों, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली टैरिफ जो इम्पोज कर रहा है यूएस जो इतना ज़्यादा टैक्सेस लगा रहा है इन सब कंट्रीज़ के गुड्स के ऊपर कि इन कंट्रीज़ ने भी रिटेलिएशन में यूएस के गुड्स के ऊपर टैक्सेस लगा दिए हैं, जिसकी वजह से एक ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन आ गई है। और आइए दोस्तों फोकस करते हैं इंडिया यूएस के इकोनॉमिक रिलेशंस में। तो उसमें दोस्तों इंडिया के अंदर जो हार्ली डेविडसन बाइक्स आया करती थी, जो कि एक समझ लीजिए फुली असेंबल्ड बाइक आती थी हाई कैपेसिटी कैटेगरी की, तो उसके ऊपर ऑलमोस्ट 60% तक का टैक्स जो है इंडियन गवर्नमेंट लगाती थी। अब इसके पीछे एक पर्टिकुलर रीज़न था कि देखिए कई सारे रीजन्स होते हैं जिसके से टैक्स लगाए जाते हैं, फुली असेंबल्ड आ रही है, उसके बाद हैवी ड्यूटी है, तो बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी बड़े बड़े टैरिफ्स उनके ऊपर लगाए जाते थे। अब इससे परेशान हो गए डोनाल्ड ट्रंप, लगता है कॉरपोरेट इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं अमेरिका में बैठ के, तो उन्होंने जो है इंडिया के ऊपर भी टैरिफ्स लगा दिए हैं। अब जब यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाए तो इंडिया ने भी रिटेलिएशन में टैरिफ्स लगा दिए थे। अब इंडिया और यूएस के जो इकोनॉमिक टाइज हैं इस वजह से थोड़े अभी मैशी ग्राउंड पे हैं, दलदली ग्राउंड पे हैं, अभी देखते हैं क्या आगे बढ़ता है। अभी देखिए कि WTO के अंदर क्या चल रहा है। देखिए दोस्तों WTO के अंदर ये हो रहा है कि इंडिया ने यूएस के जो ये डिसीजन थे टैरिफ राइज के उसको चैलेंज किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ अग्रीमेंट्स ही साइन नहीं होते बल्कि केसेस भी डिसाइड होते हैं, उसका अपना डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, डिस्प्यूट मैकेनिज्म है WTO का अपना, जिसमें कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट इकोनॉमिकल मैल प्रैक्टिसेस के लिए केस डाल सकता है। अब इंडिया ने जो है यूएस के अगेंस्ट केस डाला है, क्यों? क्योंकि यूएस ने अंडर सेक्शन 232 क्लोज बी ऑफ यूएस ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962
इसके तहत उन्होंने 25% ज़्यादा टैक्स लगा दिया था स्टील और एल्यूमिनियम जो इंडिया से आ रहा था। अब इसकी वजह से दोस्तों क्या हुआ है कि इंडिया ने WTO में US के अगेंस्ट केस फाइल किया, US भी इंडिया के अगेंस्ट WTO में केस लड़ने के लिए तैयार है। अब देखिए दोस्तों, ये केसेस तो साइड में चल रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया US बेटर साथ में बैठ के बात करें तो बेटर चीज़ रहेगी। तो इसके लिए देखिए अमेरिका जो है क्या करने वाला है कि अमेरिका एक डील प्रोवाइड करने वाला है इंडिया को, जिसके अंदर जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंसेस यानी कि लो टैरिफ्स लगाए जाएंगे इंडिया के प्रोडक्ट्स पे, ताकि इंडिया भी थोड़ा पीछे हट सके और इंडिया इसके बदले में कई सारे जो मेडिकल डिवाइसेस US से आते हैं उनके ऊपर टैरिफ्स कम कर देगा। सो दिस इज काइंड ऑफ क्विड प्रो क्यो, एक कुछ के बदले कुछ का जो थोड़ा मैकेनिज्म चल रहा है अभी, बट किस तरीके से आगे प्रोसेस होती है, किस तरीके से इसका सक्सेस रहता है, उसको हम फॉलो करते रहेंगे। उसके बाद दोस्तों काफ़ी बड़ी खबर है विद रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो करेंसीज, इस पर क्वेश्चन आने के दोस्तों काफ़ी चांसेज हैं, प्रीलिम्स में नहीं मेंस के अंदर, GS3 में, इकोनॉमिक्स में जो है पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, RBI ने जो है ना बैन लगा दिया था क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, CC से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, तो RBI ने CC के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगा दिया था। उन्होंने बोल दिया कोई भी ट्रांजेक्शन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर इलीगल होगी इंडिया के अंदर। अब इसको जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने RBI के इस बैन को सही ठहराया है। तो अब जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसीज में जो पैसा लगाए हुए थे उनका पैसा इस टाइम पे जो है थोड़ा शेकी ग्राउंड पे आ गया है। देखिए, RBI डायरेक्टिव टू बैंक इंस्ट्रक्टिंग डैम टू स्टॉप ऑल बिजनेस विद एंटिटीज डीलिंग इन क्रिप्टो करेंसीज, यानी कि बैंक के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं क्रिप्टो करेंसी कंपनीज के, उन सबको जो है अब मोस्ट प्रोबेबली फ्रीज कर दिया जाएगा या फिर बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट अलाउड इन इंडिया। उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन हो रही थी उन सब पे मॉनिटरिंग करेगा बैंक और उन सबको ट्रेस डाउन करेगा कहाँ पे पैसे जमा है क्रिप्टो करेंसी से, सो एंड सो। अब जो लोग इस सब के अंदर काम कर रहे हैं उनका ये कहना है कि ये काफ़ी बड़ा झटका है सिर्फ क्रिप्टो करेंसी कंपनीज के लिए नहीं, बल्कि उन इंडिविजुअल्स के लिए भी जो क्रिप्टो करेंसी में वर्क कर रहे थे। और एक पर्टिकुलर कंपनी है जैप पे जो क्रिप्टो करेंसी में काम करती है, उनका यह कहना है कि हमने पहले ही अपने कस्टमर्स को जो है आगाह कर दिया है कि वो लोग अपने रिस्क पे अब पैसा लगाए क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि अब आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर RBI जो है किसी भी बैंक को क्रिप्टो करेंसी के जो अकाउंट्स हैं या फिर ट्रांजेक्शन है उनको अलाउ करने नहीं वाला। दोस्तों आज का जो आंसर राइटिंग का क्वेश्चन नंबर 2 हमने डाला है, हमने अपने ब्लॉग पे डाल दिया है, अगर आप आंसर करना चाहते हैं इसको तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, हम इसका रिप्लाई आपको देंगे। जो भी आपका एरर्स है हम उसको ठीक करेंगे, आपका अगर कोई जो भी सजेशंस हैं उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट बताएंगे, अगर आप चाहते हैं तो हम आपकी मार्किंग भी कर सकते हैं। सो दोस्तों इट्स अ गुड सीरीज़ आंसर राइटिंग की, आप ब्लॉग पे जाके भी डाल सकते हैं, ब्लॉग का लिंक हमने जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके सीधा आंसर कर सकते हैं। और दोस्तों जो आज का क्वेश्चन है वो ये कि देखिए रिसेंटली जो है मोदी का सर्वे हुआ जिसके अंदर ये बताया गया कि क्रूड ऑयल प्राइसेज जो है सबसे बड़ा फैक्टर है जो रिस्क कर रहा है इंडियन इकोनॉमी को। अब क्वेश्चन के अंदर दोस्तों 3 चीज़ें पूछी गई हैं, सबसे पहला ब्रीफ में आपको रीजंस देने हैं जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दूसरा कैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंडियन इकोनॉमी को रिस्क में डाल सकते हैं वो बताना है, और तीसरा इमीडिएट रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं सो एज टू हेल्प सर्वाइव दिस इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो 3 चीज़ें पूछी गई हैं, तीनों को आपको आंसर करना है छोटे में, 250 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है, ये GS3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इकोनॉमिक्स के लिए, सो दिस विल हेल्प यू इन आंसर राइटिंग। तो दोस्तों इसी के साथ आज की जो वीडियो हमारी एनालिसिस की ख़त्म होती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस करिएगा, हमारे ब्लॉग को कंटिन्यूसली विजिट करते रहिए, वहाँ पे आपको सारी PDFs फ्री में मिलेंगी जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, www.knowledgehouse.co। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज हाउस।